What's up YouTube? आप देख रहे हैं यश शर्मा फिटनेस, आपका अपना चैनल फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक वे प्रोटीन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम है मसल ब्लेज वे गोल्ड। ये मसल ब्लेज कंपनी का लेटेस्ट वे प्रोटीन है, जो कि एक वे प्रोटीन आइसोलेट है एट द कॉस्ट ऑफ अ वे प्रोटीन कंसंट्रेट। क्या इंडियन प्रोडक्ट? दया ये मरवाएगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। So guys, इस वीडियो को मैं नो बुलशिट टू द पॉइंट रखने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करूंगा टॉप टू बॉटम, जिसमें हम कंसिडर करेंगे इसका टेस्ट, इस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कॉस्ट, एंड एट द लास्ट जो इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम बात करेंगे अबाउट वे प्रोटीन कंसंट्रेट वर्सेस वे प्रोटीन आइसोलेट। सो गाइज, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले हम नज़र डालते हैं इस वे प्रोटीन की लैब रिपोर्ट पर, जो मैंने डाउनलोड करी है मसल ब्लेज की वेबसाइट से। आप अपना बैच नंबर सेलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लैब रिपोर्ट है वो एक NABL सर्टिफाइड लैब से है, तो आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी फॉर्ज लैब रिपोर्ट डालेगी, बट आई थिंक ये बेटर रहता अगर हम इस लैब रिपोर्ट को जो लैब है उसकी ऑनलाइन वेबसाइट से वेरीफाई कर पाते। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। सो गाइस, ये है इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। सो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। चलिए अब चेकआउट करते हैं इस प्रोटीन का टेस्ट। तो जो स्कूप साइज है वो काफी बड़ा है, जो नॉर्मली मसल ब्लेज कंसंट्रेट के साथ आता है। सो मैं इसका एक पूरा स्कूप लेने वाला हूं। जो सर्विंग साइज है वो 30 ग्राम है, बट मेरे को लग रहा है कि ये 30 ग्राम से ज्यादा है डेफिनेटली। एंड जो पाउडर की क्वालिटी है वो थोड़ी ज्यादा फाइन है, मे बी बिकॉज इट्स अ वे प्रोटीन आइसोलेट। सो गाइज, ये रहा हमारा शेक। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, साइड्स पर कोई लम्स नहीं चिपक रहे हैं, सो मिक्सिबिलिटी काफी अच्छी है। सो अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट की। सो गाइज, ऑनेस्टली आई थिंक कि इसका जो टेस्ट है उसके साथ मसल ब्लेज ने बहुत ही जस्टिस किया है। इसके टेस्ट को काफ़ी इम्प्रूव करा है, जो मसल ब्लेज के पहले के प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ। जनरली लोगों की कंप्लेंट यही रहती है कि टेस्ट बहुत ही बेकार है या अच्छा नहीं है, बट इसका टेस्ट डेफिनेटली बहुत बेटर है कम्पेयर टू ऑल अदर मसल ब्लेज प्रोडक्ट्स। एक्टिविटी इज डेफिनेटली 5/5 एंड टेस्ट भी 4.5/5 है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यूज की। सो इसका सर्विंग साइज है ओनली 30 ग्राम्स। नॉर्मली वे प्रोटीन्स का सर्विंग साइज होता है 33-35 ग्राम्स, एंड पर 30 ग्राम सर्विंग आपको मिल रहा है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें अराउंड 1.8 ग्राम्स, सो रफली अराउंड 2 ग्राम्स, एंड फैट है ओनली अबाउट 0.5 ग्राम्स। एंड इस प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात करें तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें 10 ग्राम्स है, एंड ब्रांच चेन अमीनो एसिड इसमें 5.15 ग्राम्स है। सो अगेन, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स पर सर्विंग। इस वे प्रोटीन का जो MRP है वो है 6400, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बट करंटली ऑफर पर अवेलेबल है एट ओनली 4400, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डील है। एट द कॉस्ट ऑफ 4400 आपको 66 सर्विंग्स मिल रहे हैं ऑफ अ वे प्रोटीन दैट हैज 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग। ओके गाइस, टाइम है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने का, एंड दैट इज वे प्रोटीन आइसोलेट वर्सेस वे प्रोटीन कंसंट्रेट। सो मैं अपने टेबल पर बुलाना चाहूंगा एक वे प्रोटीन कंसंट्रेट को। हेलो। सो गाइस, बहुत से लोग एंड इवन काफी जिम के गुरुज ऐसा प्रमोट करते हैं कि अगर आपको एक लीन एस्थेटिक एंड श्रेडेड बॉडी चाहिए तो आपको वे प्रोटीन आइसोलेट
लेना चाहिए एंड अगर आपको बिग एंड बल्की बॉडी चाहिए तो आपको वे प्रोटीन कंसंट्रेट लेना चाहिए। बट गाइज लाइक आई सेड, ये वीडियो नो बुलशिट है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ऐसा कोई बुलशिट ओपिनियन नहीं देने वाला। इनफैक्ट मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये बहुत ही फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपेयर करें, दोनों ही मसल ब्लेज के प्रोडक्ट है, तो इसमें भी पर कंटेनर आपको मिल रहे हैं 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इसमें भी आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। इस प्रोडक्ट में आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं वो है अराउंड 2 ग्राम्स, इसमें अराउंड 4 ग्राम्स, फैट 0.5 ग्राम्स एंड इसमें फैट इज ओनली 1 ग्राम। सो अगर आप देखें तो 2 ग्राम्स एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स एंड 0.5 ग्राम्स ऑफ एक्स्ट्रा फैट्स है, आपकी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा फैट गेन नहीं होने वाला। अगर आप एक दिन में 250 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट के साथ आपके जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है वो 252 हो जाएगा एंड इस प्रोडक्ट के साथ आपका 254। तो आई एम श्योर कि आप बेसिक लॉजिक ही लगा सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट वे प्रोटीन आइसोलेट के दो फायदे हैं। नंबर वन, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है एंड वे प्रोटीन कंज्यूम करने से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं तो वे प्रोटीन आइसोलेट आप कंज्यूम कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये सूट करेगा एंड आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यू नहीं होगा। सेकेंड फायदा इस प्रोडक्ट का ये है कि अगर आप वेजिटेरियन कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स लो रखने होते हैं बिलो 20 ग्राम्स एंड मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन फूड्स में काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो अगर आप 4-5 स्कूप्स ले रहे हैं इस प्रोडक्ट के जो कि एक वे प्रोटीन कंसनट्रेट है तो आपके कार्ब इनटेक जो है काफ़ी ज़्यादा शूट अप हो जाएगा अराउंड 20-30 ग्राम्स। बट इस प्रोडक्ट के साथ आप अपने कार्ब इनटेक को काफ़ी लो रख सकते हैं ताकि आपकी बॉडी कीटोसिस में रहे। तो गाइस फाइनल नोट ऑन दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का टेस्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन ऑल द मसल ब्लेज प्रोडक्ट सो फार। जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है हमने डिस्कस करी वो भी बहुत ही शानदार है। करंटली जो इसका प्राइस है वो बहुत बढ़िया है, वो एक स्टील द डील ऑफर है। अगर आप वेजिटेरियन कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं या आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं या आप एक अफोर्डेबल वे प्रोटीन ढूंढ रहे हैं जिसका टेस्ट इंटरनेशनल फ्लेवर जैसा हो तो ये प्रोडक्ट मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। सो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द वे प्रोटीन गोल्ड बाय मसल ब्लेज। कमेंट करिए आपको ये रिव्यू कैसा लगा। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिफ्ट करते रहे। पीस।